एक ने पहले उसके यहाँ हाथ में जो है चाकू मारे, जो हाथ से पार हो गया, इस यहाँ चाकू लगे। दूसरे भाई के यहाँ पेट में चाकू लगे। हजारों की तादाद में जो है रोड पर चलने वाले लोग रहते हैं, लेकिन उसकी मदद किसी ने नहीं की, वो वहीं तड़पता रहा। दोस्त वाले से पहले उनका कभी झगड़ा हुआ है, जिसको लेकर के अब उनसे दुश्मनी निकाली गई है, हत्या की गई है उनकी, तो वो दोस्त वाले का ही अहम झगड़ा है। दोस्तों कहने को दिल्ली तो देश की राजधानी है, यहाँ अगर कहा जाए तो हर मामले में सुरक्षा होनी चाहिए, और यहाँ जो रहने वाले लोग हैं उनको हमेशा अपने आप को सुरक्षित महसूस करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर आए दिन अखबार देखें, टीवी देखें, तो रोज़ाना कहीं ना कहीं किसी न किसी के मर्डर की खबरें आपको मिल जाएंगी। अखबार रेगुलर देखिए तो कहीं चाकूबाजी की खबर मिलेगी, कहीं गोली चलाने की खबर मिलेगी, कहीं स्नैचिंग की खबर मिलेगी। मतलब कहने का ये कि देश की राजधानी दिल्ली में भी आदमी सुरक्षित नहीं है। कल देश का एक अहम हिस्सा गोविंदपुरी है, वहाँ कुछ लोगों के बीच झगड़ा हुआ, वहाँ चाकूबाजी हुई, एक की मौत हो गई, दूसरा बहुत ही ख़तरनाक तरीके से ज़ख्मी है और अभी वेंटिलेटर पर है। हमारे साथ यहाँ पे समीर है, जिस साहब की मौत हो गई है उनका नाम आज़ाद है, समीर उसके रिश्तेदार है। हुआ क्या है वहाँ? देखिए हुआ ये है कि वहाँ पर, पहले तो मैं आपको बता दूँ, ये गोविंदपुरी जहाँ का मामला है, वहाँ एक बहुत बड़ा चौक है, और वो जो चौक है वहाँ पर तकरीबन 9:30 बजे, मुझे लगता है कि वहाँ से ज़्यादा नहीं तो कई से लोगों की तादाद में वहाँ लोग खड़े होते हैं। लेकिन वहाँ हुआ ये है कि 9:30 बजे, मात्र रात के 9:30 बजे, जहाँ जब वहाँ कई सौ लोग खड़े हुए थे, उनके सामने वहाँ किस छोटी मोटी बात को लेकर कहा सुनी हुई, क्योंकि उनका उन्होंने पहले भी जो है कई बार उनसे झगड़ा किया है, उनसे आपसे जो है रंजिश रखने के बावजूद उन्होंने कुछ तूतू मेहमे जो है वहाँ लोगों ने की, जो पास में एक गोश्त बेचने का काम करता है, तो वहाँ तूतू मेहमे हुई। तूतू मेहमे होने के बाद उनकी धक्का मुक्की हुई, धक्का मुक्की के बाद में वहाँ जो लोग खड़े थे, वो 3-4 लोग थे, उन्होंने वहाँ उसी जो है गोश्त बेचने वाले की दुकान से चाकू उठाए, और चाकू उठाने के बाद उनके पीछे भागे, और पीछे भागने के बाद उनके ऊपर जो है हमला कर दिया, और हमला ऐसा किया कि एक भाई, दो भाई हैं, तीन भाइयों पर हमला किया, तीन भाई थे, एक भाई तो वहाँ से उसके यहाँ चाकू लगा, चाकू लगने के बाद वो वहाँ से थोड़ा भागा, लेकिन दो भाई जो थे वो उनसे बच के जैसे भाग रहे थे, भागने के बाद उन्होंने 4 लोगों ने उनको घेर के, एक ने पहले उसके यहाँ हाथ में जो है चाकू मारे, जो हाथ से पार हो गया, इस यहाँ चाकू लगे। दूसरे भाई के यहाँ पेट में चाकू लगे हैं, जो आज वेंटिलेटर पर है, और जो आज़ाद जिसके हाथ में चाकू लगे, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारी जो है दिल्ली पुलिस की भी जो है लापरवाही रही। और मैं कहना चाहता हूँ उन लोगों से, जो लोग ऐसे मतलब ऐसे समय में जो है किसी की मदद नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ अगर आज के टाइम में देखा जाए तो एक काम करते हैं, वीडियो बनाने का काम करते हैं, लेकिन किसी की मदद करने का काम नहीं करते। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो मैं कहता हूँ, अगर हाथ में किसी के चाकू लग जाए तो मुझे लगता है वो बच जाएगा, मरेगा नहीं। लेकिन आज जो वो जो मृत्यु हुई है, वो मेरे जो है रिलेटिव भी हैं, और मेरे फुफेरे जो है दामाद भी लगते हैं, वो लगते हैं, बहनों साहब लगते हैं वो, लेकिन उनकी जो हत्या हुई वो तकरीबन 9:30 बजे से लेकर के, उस वक्त तो बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, पहले तो मैं यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि लोग किसी को बचाने की कोशिश नहीं करी, ये चीज़ बहुत बड़ी बात है, ये इंसानियत की हत्या है। देखिए ये मैं आपको वही बताना चाहता हूँ कि हम लोगों के अंदर से इंसानियत खत्म हो गई है, हम एक इंसान को जो है तड़पता देखते रहते हैं, लेकिन उसको हॉस्पिटल पहुँचाने का काम नहीं करते। दूसरी तरफ सवाल ये उठता है कि जो हमारी दिल्ली पुलिस ये कहती है कि पूरी दिल्ली के अंदर हम क्राइम को रोकने का काम करते हैं, हाईटेक सिटी है, पूरे देश का दिल है, लेकिन इसी दिल के अंदर आए दिन जो है हत्याएं हो रही हैं, लोगों को मारा जा रहा है, और 9:30 बजे अगर हत्या की जाती है तो पुलिस वहां 10:15 बजे पहुंचने का काम करती है। जहां के बारे में आप बता रहे हैं वहां पर तो हमेशा लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, कुछ ही दूरी के बाद वहाँ पे थाना भी है, तो पुलिस नहीं आ सकी। मैं वही चीज़ आपको बता रहा हूँ कि ये कितनी शर्म की बात है दिल्ली पुलिस के लिए कि दिल्ली पुलिस वहाँ 10:15 बजे वहाँ पहुँचती है, और एसएचओ साहब से जब मैं वहाँ के मिला हूँ, एसएचओ साहब का नाम है जगदीश यादव जी से जब मैं उनके थाने जाके मिला, तो वो मुझसे कहते हैं कि हमने 10:15 बजे हॉस्पिटल पहुँचा दिया। मैंने, सर आपकी गलतफहमी है, वो लड़का जो है 11:15 बजे हॉस्पिटल पहुँचा है, अगर उसको जो है सही टाइम से, जिस तरह से जो है 9:30 बजे हत्या हुई, मैं कहता हूँ अगर दिल्ली पुलिस को अभी पता चल जाए कि कहीं पे लेंटर डल रहा है, तो मुझे लगता है 15 मिनट में पुलिस पहुंच जाएगी। ये बताइए समीर, कि वो जख्मी इतनी देर वहीं पे रहे, किसी ने नहीं, वहीं पड़ा रहा, मतलब एक तो पुलिस नहीं पहुंची, लेकिन जो वहां पे लोग मौजूद थे, एक तो उन्होंने झगड़ा छुड़वाया नहीं आपस में, और मान जब इसने चाकू मार भी दिया, तो वहां पर से कोई बंदा ऐसा नहीं जो उठा के अस्पताल ले जाए, उसने भी नहीं, किसी ने भी नहीं। यही कहना चाहता हूं कि इसीलिए हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाया, क्योंकि वो वहां के जो लोग थे वहां, मुझे लगता है कि हजारों की तादाद में जो है रोड पर चलने वाले लोग रहते हैं, लेकिन उसकी मदद किसी ने नहीं की, वो वहीं तड़पता रहा, ये देखने की बात है। ताजू की बात है कि हाथ में लगा चाकू, अगर लोग सही से वक्त पे पहुंचा देते तो बच सकते थे, बिल्कुल बच जाता, क्योंकि हाथ पे लगने से मुझे लगता है सिर्फ वो ब्लीडिंग बहने की वजह से जो है उसकी डेथ हुई है। और मैं कहता हूं दिल्ली के दिल के अंदर ऐसा हादसा हुआ है, लेकिन ना तो वहां डीसीपी साहब पहुंचे, डीसीपी साहब जो है हमारे जो राजेश देव साहब है, मैं मौके पर वहां था, लेकिन हमारे डीसीपी साहब वहां पहुंचते हैं 2 से 2:30 बजे,
और मैं कहता हूँ ना थाने के अंदर SHO साहब थे जब ये वारदात हुई है, ना SHO साहब थे, ना वहाँ के ATO थे, ना कोई बड़ा अधिकारी था, लेकिन जितने भी अधिकारी और जो वहाँ पहुँचे हैं वो तकरीबन 10:30 से 11:45 के बीच में वहाँ पहुँचे हैं। जब उसको उठा करके जो है वहाँ ट्रॉमा सेंटर में एडमिट कराया गया, और वो मुझे लगता है कि ट्रॉमा सेंटर पर पहुँचने से पहले पहले डेथ हो चुकी है। ये बताइए जिनकी मौत हुई है आज़ाद की, उनकी उम्र कितनी रही होगी? उनकी उम्र तकरीबन 33-34 साल की उनकी उम्र है, दो बच्चे हैं, छोटे छोटे मासूम दो बच्चे हैं उनके, और जो है मुझे लगता है कि उनका पूरा परिवार जो है बिखर गया, पूरा परिवार जो है। जो जख्मी है अभी जो आप बता रहे हैं कि वेंटिलेटर पे है, वो किस पोजीशन में है, कितना उनको चोट आई हुई, कितने जख्म आया? मैं बता रहा हूँ, उनको चाकू पेट में लगा, और पेट में जो वहाँ के मौजूद लोग थे वहाँ पर वो ये बता रहे हैं कि उन्होंने जो अंदर का जो उनका वो होता है जब चाकू लगे, जो अंदर से आंत वगैरह जो होती है वो बाहर निकल गए, जो कि उन्होंने ऐसे पकड़ के यहाँ से, और जब वो हॉस्पिटल पहुँचे तो ऐसे पकड़ के पहुँचे, लेकिन वो अभी जो है जो वहाँ बता रहे हैं कि वो वेंटिलेटर पर हैं और सीरियस हैं अभी। अच्छा, जिन लोगों ने चाकूबाजी की, जिन लोगों ने इन लोगों को मारा, उसमें से अरेस्टिंग हुई किसी की अब तक? अरेस्टिंग उसमें से बता रहे हैं, मैं SHO साहब से मिला, SHO साहब बता रहे हैं कि हमने अरेस्टिंग की है, जबकि वो रात में ही क्राइम ब्रांच के लोगों ने उनको उठाया था और उठा करके उनसे पूछताछ की, तो पूछताछ में उनको अभी SHO साहब हमें जो है कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि भाई हम अभी जो है जिसके चाकू इस्तेमाल हुए उसके ऊपर भी मुकदमा देंगे, और जो है उनको भी हम अरेस्ट करें, अरेस्ट पहले सबसे पहले उसी को किया जिसकी वो दुकान थी, जो गोश्त जो वहाँ पर बेचने का काम करता था, जिसने उन लड़कों को बुलाया था सबसे पहले उसी को अरेस्ट किया गया, उसी से पूछताछ करके उन तीन लोगों को अरेस्ट किया गया है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि पहली बात तो इलीगल, क्या वो गोश्त वाला जो है वहाँ पे, एक तो उसके पास लाइसेंस है भी कि नहीं है, दूसरा मुझे बताइए इतनी रात में गोश्त की दुकान आमतौर पर खुली हुई नहीं रहती है कोई, तो क्या उस गोश्त वाले का भी कोई रोल है क्या इसमें? नहीं, रोल तो उसी ने, वो लड़के जो जिन्होंने हत्या की है, वो लड़के जो बुलाए वो गोश्त की दुकान वाले ने ही बुलाए बुलाए तो झगड़ा क्या गोश्त वाले से असल हुआ? गोश्त वाले से पहले उनका कभी झगड़ा हुआ है जिसको लेकर के अब उनसे दुश्मनी निकाली गई है, हत्या की गई है उनकी, तो वो गोश्त वाले का ही अहम झगड़ा है, और वो तीन चार लड़के जो भी थे वो वहाँ के नहीं, वो दक्षिणपुरी की तरफ कहीं कोई जगह है वहाँ से उनको बुलाया गया। आपने बताया बुलाया गया है, बुलाया गया कॉन्टैक्ट किलर कह लीजिए जो भी कह सकते हैं, लेकिन उनको बुलाया गया। लेकिन मुझे सबसे बड़ा अफसोस जो है यह है कि मैं कहता हूँ कि अगर 9:30 बजे उनकी हत्या की गई है, 9:30 बजे उनको अगर चाकू मारे गए हैं, तो दिल्ली पुलिस कहाँ सोई हुई थी? दिल्ली पुलिस वहाँ 10:30 बजे पहुँचने का काम करती है, 45 मिनट तक वो रोड पर पड़ा हुआ और भिलकता रहता है। मैं कहता हूँ कि जो वहाँ के आम लोग थे, हो सकता है वो डरे हुए हों, ना उनको हाथ लगा रहे हों, कहीं केस हम पे ना लग जाए कुछ भी, या कोई ऐसा डर उनको उनके दिलों में था जो उन्होंने मदद नहीं की, तो मैं कहता हूँ दिल्ली पुलिस तो मदद करने के लिए आनी चाहिए दिल्ली पुलिस की। अब जो है समीर, आमतौर पर जो ने केजरीवाल ने भी ऐलान किया था कि अगर आप किसी जख्मी को कहीं पहुँचाते हैं, झगड़े के बाद पहुँचाते हैं, तो उससे कोई पूछताछ नहीं होगी, कोई ज़्यादा परेशान, आमतौर पर लोग पहले डर से नहीं पूछते थे कि पुलिस मुझे ही उल्टा परेशान कर, अब तो ऐसी बात नहीं है, फिर भी लोग बेशर्मी से देखते रहे, आपके हिसाब से वीडियो भी कुछ लोगों ने बना ली होगी, वही बनाते रहे, ना तो किसी ने बचाया, ना ही किसी ने उनको अस्पताल पहुँचाया, तो सोचिए समाज कहाँ जा रहा है। देखिए, मैं वही चीज़ कहना चाह रहा हूँ, समाज के लिए बहुत कलंक की बात है कि मैं कहता हूँ सबसे पहले जो है, अगर चाहे आप जो है किसी भी धर्म की बात कर लो, मैं कहता हूँ अगर सबसे पहले इंसान के साथ कोई हादसा होता है, तो मैं कहता हूँ उसको सबसे पहले उसकी मदद करनी चाहिए, चाहे रोड पे एक्सीडेंट हो, चाहे किसी की हत्या हो जाए, या कुछ भी अन्य ऐसा मामला हो जो जख्मी हो, तो मैं तो कहता हूं कि मुझे चाहे फांसी क्यों ना लग जाए, मैं उसको सबसे पहले हॉस्पिटल लेके जाऊंगा, बाद में पुलिस को कॉल करूंगा। लेकिन वहां लोग देखते रहे, उसकी जान चली गई, उसका पूरा परिवार खत्म हो गया, लेकिन उसको कोई हॉस्पिटल तक नहीं लेके गया। और सबसे ज़्यादा फिर मैं दोबारा आपको दोहराना चाहता हूं कि सबसे बड़ी जो दुखद बात है, बात यह है कि वहां समय से, अगर जो है पास में ही करीब में थाना है, अगर समय से वहां पुलिस के अधिकारी पहुंच जाते, पुलिस का प्रशासन पहुंच गया होता, तो वो जो है आज जो है वो बच्चा, वो किसी का भाई, किसी का जो है घर का जो है चिराग, वो जिंदा होता। अच्छा, आपने ऐसा कुछ मालूम किया है कि इन लोगों का आपस में कोई झगड़ा पुराना था, या अचानक कोई बातें बहस हुई? नहीं, वो पहले जो है वहीं जो गोश्त चलाता है उससे पहले कभी कोई बात हुई थी, उनका झगड़ा भी आपस में हुआ है, तो उसने जो लड़कों को बुलाया वो पहले भी मोस्ट जो है वांटेड हैं, क्रिमिनल हैं, उनके ऊपर जो है पहले भी वो कई मामलों में 302 के 307 के मामलों में पहले भी जो है विक्टिम है और मुजरिम है, तो वो जाहिर सी बात उनको बुलाया और जो है कहीं ना कहीं प्री प्लानिंग जो है मर्डर किया है और मारा गया। ताजू की बात यह है कि गोविंदपुरी जैसे बिजी इलाके में, देश की राजधानी दिल्ली में, रात के 9:30 बजे कुछ लोगों की मारपीट हो, वो चाकू मार दे, एक तो पुलिस लेट से पहुंचे, और दूसरे जो लोग वहां पर मौजूद हैं वो भी सिर्फ वीडियो बनाते रहे और उसको अस्पताल ना पहुंचाएं। अगर वहां से कुछ लोगों ने हिम्मत कर ली होती और अस्पताल पहुंचा दिया होता, तो हो सकता है आज़ाद की जान बच जाती, और जो दूसरा बंदा अभी वहां ज़िंदगी से जंग लड़ रहा है वो भी शायद इतना क्रिटिकल कंडीशन में नहीं रहता। तो आप लोग भी प्लीज़ ध्यान दीजिए,
जब भी इस तरह का मामला कहीं हो तो पहले तो कोशिश कीजिए, हिम्मत करके उसे बचाने की कोशिश कीजिए, आपस में लोग झगड़ा ना करें ये कोशिश कीजिए, और अगर चाकूबाजी हो भी जाए तो आप ये जिम्मेदारी तो ज़रूर निभाइए, कम से कम उसे वक्त पर अस्पताल पहुंचा दीजिए ताकि किसी की जान बचाई जा सके। आज़ाद को वक्त पर अस्पताल पहुँचा दिया गया होता तो हो सकता है उसकी जान बच जाती।